अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद जीशान और आज हम सीखेंगे ट्वर्ल इफेक्ट। ठीक है, आप लोगों को फिलहाल आइडिया नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है ट्वर्ल, लेकिन इसकी इसका जो मीनिंग है स्पिन करने को कहते हैं। जैसे आपके सामने ये रिजल्ट है हमारा, ये ट्वर्ल इफेक्ट से बना हुआ है, तो इससे हम बहुत ही खूबसूरत किस्म के बैकग्राउंड्स बना सकते हैं और साथ साथ कलर्स के साथ मतलब हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कैसे करते हैं, ये तो फिलहाल फाइनल रिजल्ट है मेरा जो मैंने बनाया था। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ सैंपल्स दिखाऊं कि इससे हम और क्या क्या चीजें बना सकते हैं। ये मैंने कुछ बनाई है, मैं आप लोगों को यही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक ये आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हम काफी खूबसूरत किस्म के बैकग्राउंड इमेजेस जो है इससे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फोटोशॉप ओपन करना है, जो कि मैं पहले से ओपन कर चुका हूँ और ये मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को शुरू से पता चले कि ये कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, और हाँ, ये बिजनेस कार्ड है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं हम, क्या साइज होगा उसका, क्या होगा उसमें। तो ये हमारा फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये क्लोज करता हूँ, बल्कि पहले मैं तस्वीर जो है जो मैं यूज करूंगा, हमारे मेरे पास ये तस्वीर पड़ी है एक पूल की, तो मैं इसी पे 12 इफेक्ट जो है वो अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में, इसको मैं यहाँ पे न्यू टैब में खोल देता हूँ। ठीक है, और बिजनेस कार्ड को मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक तस्वीर है, रैंडम कोई भी कलर आप उठा सकते हैं, कोई भी तस्वीर हो उसमें कलर्स हो, फूल हो, बेशक कोई भी चीज हो जिसमें रैंडम कलर्स हो और आप कलर्स के साथ खेलना चाहें। ठीक है, तो फिलहाल मैंने ये तस्वीर ली है, आप अपनी मर्जी से कोई भी उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड जो यहाँ पे लिखा है हमारा लेयर जो है, इसको अनलॉक करते हैं इस लॉक के आइकन पे क्लिक करके। ठीक है, और फिर हम इसी पे राइट क्लिक करते हैं यहाँ राइट साइड पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, हमने इस पे क्लिक करना है। इसमें जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे ये हम मैं आगे एक्सप्लेन करता जाऊँगा, लेकिन फिलहाल जैसा मैं करता हूँ वैसा ही फॉलो कर लें। थोड़ी बहुत मैं इसकी टचिंग करा दूंगा आप लोगों को कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे ही हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बन गया, ये हमें इशारा देता है कि ये लेयर जो है अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली ये चीज़ है, जैसे एक रेस्टर इमेज होता है और एक वेक्टर होता है, इसी तरह हमारे पास एक ये ऑप्शन है। इसका ये फायदा होता है कि इसमें हम जो भी कुछ अप्लाई करेंगे, बेशक फिल्टर हो कोई भी या कोई भी एडजस्टमेंट हो, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में आ जाता है उसका, जैसे हम मास्क बनाते हैं एडजस्टमेंट लेयर का। ठीक है, तो हम दोबारा से उसको एडिट कर सकते हैं किसी भी वक्त, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये फायदा है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम यहाँ पे फिल्टर हमारे पास ऊपर आया है, उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे हम ब्लर पे जाते हैं, सॉरी ब्लर पे नहीं, पहले हम जाएंगे यहाँ पे पिक्सेलेट के पास। पिक्सेलेट में हम सेलेक्ट करेंगे मेजोटेंट। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये जो है फिलहाल आप लोग फॉलो करते जाएं। इसको मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फाइन डॉट्स है, तो डॉट्स का ये हमें रिजल्ट देता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं लॉन्ग स्ट्रोक्स जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप लोगों को रिजल्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रोक्स जैसे हम पेन टूल में आती है हमारी, इसी तरह तस्वीर में स्ट्रोक्स आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये काम हो गया, फिर उसके बाद वापस फिल्टर पे जाते हैं और ब्लर जो है हमारे पास यहाँ पे ब्लर पे पॉइंटर रखे, इसमें हम रेडियल ब्लर जो है वो सेलेक्ट करते हैं। रेडियल ब्लर जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, हमारे पास ये देखें इसका व्यू आ गया। इसमें हमने अमाउंट जो है वो 100% रखना है, ब्लर मेथड जो है वो जूम सेलेक्ट करना है, और क्वालिटी जो है वो हमने ड्राफ्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, रेडियल ब्लर का इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डीपली बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ ले कि ये सेंटर वाइज जो है ब्लर करता है हमारे जो लेयर को, तस्वीर को। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसका व्यू, देखें सेंटर जो है वो क्लियर है, लेकिन साइडों पे जो है वो
इसकी डायरेक्शन है ब्लर की। ठीक है, तो फिलहाल फॉलो ही करते जाएं ताकि जो काम हम करना चाहते हैं वो कंप्लीट हो। तो जैसे मैं ओके करूंगा, देखें हमारा ब्लर इफेक्ट ये सामने आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से फिल्टर पे जाऊंगा, सेम टू सेम ब्लर पे जाऊंगा और ब्लर में फिर से रेडियल ब्लर को सेलेक्ट करूंगा। और जैसा ही हमने पिछली बार किया, 100 अमाउंट था, जूम था, ब्लर मेथड और क्वालिटी ड्राफ्ट थी, मैं दोबारा से ओके करूंगा। देखें हमारे पास ये एक और आ गया। देखें हमारे पास जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा ये है कि फिल्टर जो है हम दोबारा से कभी भी एडिट कर सकते हैं। मैं दोबारा से फिल्टर पे जाऊंगा ब्लर को सिलेक्ट करके रेडियल ब्लर, लेकिन इस बार जो हमारे पास क्वालिटी है बाकी सब वैसा ही 100 अमाउंट और ब्लर मेथड जो है वो जूम, लेकिन क्वालिटी मैं बेस्ट करना चाहता हूँ ताकि ब्लर इफेक्ट थोड़ा ज्यादा हो जाए इसमें। मैं इसको ओके करूंगा, देखें ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये थोड़ा हैवी है, तो ये हमें ये रिजल्ट देता है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा फिल्टर पे दोबारा से और यहाँ से मैं डिस्टॉर्ट पे जाऊंगा। डिस्टॉर्ट में हमारे पास है ट्वर्ल, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। देखिए ट्वर्ल इफेक्ट जो है यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा व्यू है, ये हमें दिखाता है कि इसका असर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज हैं हमारे पास, हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको लेके जाऊँ, हमारे पास इस तरह का डिजाइन बनेगा। अगर मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो एंड, ये देखें क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ इस तरफ पे लेके जाऊंगा लेफ्ट पे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन मैं पहले से एक वैल्यू अपने माइंड में रख चुका हूँ, मैं यहाँ पे 150 रख रहा हूँ, आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, 12 का असल मतलब है कि स्पिन करना, गोल घुमाना। ठीक है, 12 का ये मतलब है, तो मैं ये ओके करूंगा, देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब मैं करता ये हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पे लेयर है इसका मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ। मैं Ctrl+J से भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं ये तो इसका हम ये हमारे हमसे नाम लेगा कि हम इसको क्या नाम रखना चाहते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसको वैसे ही छोड़ रहा हूँ। इसको मैं ओके करूंगा, देखें हमारे पास क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था इसके साथ फिल्टर्स भी सेम टू सेम वैसे ही आ गए। ठीक है, हम इन फिल्टर्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं चेंज करूंगा यहाँ से। देखें हमारे पास सेम टू सेम वही चीज है जैसे हमारे पास यहाँ नीचे थी क्योंकि इसका हमने डुप्लीकेट लिया है। अब मैं इसका 12 जो है 12 इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से, देखें इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो हम इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देखें वही चीज हमारे पास आ गई जैसे हमने नीचे छोड़ा हुआ था। और इसका मैं अब ऑपोजिट साइड पे लेता हूँ, अभी हमने जितना भी किया है वो देखें क्लॉकवाइज था, अभी मैं एक इसका बनाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं सेम वैल्यू पे जाऊंगा, माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है तो मैं -150 कर लूंगा क्योंकि मेरा जो पिछला था वो 150 था, यहाँ पे मैं -150 करूंगा। ठीक है, ये देखें हमारा माइनस में आ गया, देखें हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। आप लोग कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक जैसी वैल्यू इसलिए रख रहा हूँ ताकि चीजें जो है वो थोड़ी सिंपल और समझ में आ सके। तो मैं इसको ओके करूंगा, देखें ये हमारा अप्लाई हो गया, ये देखें ऑपोजिट हो गया। अब हम जो ऊपर का लेयर है हमारा सेकेंड, इसका ब्लेंड मोड हम चेंज करते हैं। तो ट्वर्ल इफेक्ट जो है इसमें तीन ब्लेंड मोड जो है वही हमारे हमेशा काम आते हैं। एक हमारा डार्कन मोड, देखें जैसे हमने डार्कन किया, डार्क एरिया जो है वो नजर आना शुरू हो गई और लाइट एरिया जो है वो गायब हो गई। मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट लेयर्स में आपको बताया था कि सॉरी ये ब्लेंड मोड्स में इसका जो हमने लेक्चर लिया था उसमें सबका मैंने आपको डिटेल से बताया था, तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा आप लोगों के पास, वो क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डार्कन मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक लाइटन मोड है, हम एक ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे है पिन लाइट, के दोनों को मिड में जो है वो रखे, दोनों लाइट्स को, डार्क और लाइट को, ठीक है, ब्राइट को। तो यहाँ पे जो हमें अच्छा लगेगा हम वही इस्तेमाल करते हैं। देखें यहाँ पे अगर मैं डार्कन करूंगा तो ये बहुत ही डार्क हो जाएगा, पिन लाइट करूंगा तो ये भी खास मजे का नहीं लग रहा मुझे। अगर मैं लाइटन करूंगा, देखिए ये बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट दे रहा है हमें, जिसमें डार्क भी आ रहा है और लाइट भी, तो मैं यहाँ पे लाइटन सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 का बन गया, बस इतना सही था। हम इसमें फर्दर चेंजेस कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें, हम दोबारा से कोई भी जो हमारा स्मार्ट फिल्टर्स हैं हम दोबारा से इनको किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये फिलहाल एक ऐसा था कि ताकि काम करने में मजा आए थोड़ा, इसलिए ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ठीक है, तो ये देखें हमारा बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट बन गया जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था। मैं ये वाला था बिल्कुल, हाँ यही वाला है। ठीक है, तो देखें हमारे पास सेम टू सेम वही रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो हम इसको सेव कर सकते हैं जेपीजी में या पीएनजी में, जो भी आप लोगों को सूटेबल लगे। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा और दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।